प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन को लेकर मंडी शहर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल जो पूरा विवाद है वो एक मस्जिद को गिराने को लेकर शुरू हुआ। इसकी मांग जो है काफी तेज हो गई, 5 मंजिला इसे बना दिया गया और अभी लगातार यही मांग की जा रही है कि इसको तोड़ दिया जाए। हालांकि मुस्लिम जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि जो अवैध लग रहा है वो मंजिल हम तोड़ देंगे, लेकिन आदेश आ जाए हमें उसके बाद हम ये करेंगे। उसके पहले ही विरोध प्रदर्शन हिमाचल में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। ये देखिए हिमाचल के मंडी में विरोध की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अवैध निर्माण हटाने की मांग चल रही है और जो तस्वीर आपको दिखा रही हैं, ये तस्वीर आप देखिए जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए, यहां से लोग चले जाए। संजौली के बाद अब मंडी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिमाचल के संजौली में आपने इससे पहले तस्वीरें देखी थी जब प्रदर्शन हो रहा था, और अब आप मंडी की भी तस्वीर देख रहे हैं। मंडी में देखिए आक्रोश कितना ज्यादा यहाँ पर देखा जा सकता है, लोगों का गुस्सा। और अभी भी ये गुस्सा जो है वो शांत नहीं हुआ है। संजौली के बाद अब मंडी में जो है गुस्सा दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन करते नजर आ रही हैं मंडी में भी अब यही हाल। हिमाचल के मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल लगातार जारी है। शिमला के बाद अब मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल हो रहा है। हिंदू संगठन ने अवैध मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश की है, पुलिस ने रोका तो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, तोड़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की है, उन्हें रोकने की कोशिश की है और अभी भी ये कोशिश लगातार चल रही है। ये देखिए तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक तो आप देखेंगे ये जो ऊपर से नज़ारा आप देखिए कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हो चुके हैं। निगम आयुक्त की कोर्ट ने इस 30 साल पुरानी मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया शुक्रवार को। इसके लिए 30 दिन का टाइम भी दिया गया। ये भी कहा गया है कि पहले इस जेल रोड पर यह मस्जिद 1 मंजिला थी तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारी पूरी मस्जिद गिराने की अब मांग कर रहे हैं, तो अब जो है 1 मंजिला को छोड़कर बाकी के जो मंजिल बनाए गए हैं उनको तोड़ने की बात सामने आई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि पूरी की पूरी ही मस्जिद तोड़ दी जाए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में खूब धक्का मुक्की हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर, प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने के लिए पानी की बौछार डाली गई है। अब प्रदर्शनकारी हनुमान चालीसा का पाठ भी इससे पहले करते नजर आए, तो कुछ इस तरह का जो ये मंजर है वो दिखाई दे रहा है और अभी भी बवाल जारी है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अन्य खबरों की, भोपाल की बात करेंगे जहां एमपी सरकार के वित्त विभाग ने लापता और मृत कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। पिछले 5 साल से लापता और मृत हुए कर्मचारियों को खोजने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभाग